कैसे उम्मीद है क्या सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करी हूँ। उस रेसिपी का नाम है कोकोनट आइस केक, सबका पसंदीदा केक। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहे हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने बॉल लिया, बॉल के अंदर हमने 3 अदद अंडे ले लिए हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/3 कप शुगर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से करेंगे बीट। हम इतना बीट करेंगे कि अंडा अच्छी तरीके से फ्लफी हो जाए। अंडे डाल के, चीनी डाल के और वनीला एसेंस डाल के इसे अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। बहुत ज़्यादा फ्लफी हो चुका है ये। चीनी अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो चुकी है। अब इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं। ऐड करेंगे रेड फूड कलर फ्यू ड्रॉप्स, ताकि हमारा केक पिंक कलर का तैयार हो, बहुत ही अच्छा से कलर आता है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अच्छी क्वालिटी का हमें यहाँ ऑयल यूज़ करना है ताकि कोई इसकी स्मेल ना हो। यहाँ हमने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया। इसे अच्छी तरीके से दोबारा से हम करेंगे अगेन बीट। इससे बहुत प्यारा सा कलर आ चुका, कलर का केक बनके तैयार होगा। तो इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लफी, बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होगा ये केक। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे। तो मैदा हमने अभी इसमें ऐड करा छान के, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनके केक तैयार हो। साथ मैदा डालेंगे तो आप कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करना है और इसे अच्छी तरीके से हैंड वॉश की मदद से मिक्स करते जाएं। और एक साइड से ही फोल्ड करना है आपने, हर साइड से फोल्ड करना नहीं है, एक साइड से फोल्ड करना है। इसे एक ही डायरेक्शन में से अच्छी तरीके से फोल्ड करते जाएं और बहुत ही मज़ेदार केक बनके तैयार होगा कोकोनट आइस केक, जो आप बहुत एक्सपेंसिव प्राइस में ख़रीद रहे होते हैं बेकरी से, चाहे वो कोई सी मशहूर मारूफ बेकरी क्यों ना हो। इसके अंदर अगेन दोबारा हम मैदा सेंटर से छानेंगे और अब मैदा और बेकिंग पाउडर को हम छान रहे हैं अच्छी तरीके से, दोबारा से मिक्स करेंगे। मैदा डाल के अगेन हम एक साइड से दोबारा से इसे फोल्ड कर रहे हैं अच्छी तरीके, ताकि मैदा और बेकिंग पाउडर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। केक बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है। पैन को हम ग्रीस कर रहे हैं ऑयल की मदद से। उसके बाद हम बटर पेपर लगाएंगे इसके ऊपर। ये देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है इसे। उस बटर पेपर को हम लगा देते हैं अच्छी तरीके से। इसे हम ग्रीस कर लेंगे बटर पेपर को भी। देख सकते हैं बटर पेपर को अच्छी तरीके से सेट कर दिया। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोकोनट आइस केक का मिक्सचर। यहाँ देख सकते हैं हमारा बैटर रेडी हो चुका है कोकोनट आइस केक का। इसको हम ऐड करते हैं मोट के अंदर जो हमने तैयार करके रखा है। देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा हमारा कोकोनट आइस केक का बैटर रेडी हो चुका है। इसे अच्छी तरीके से हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, अच्छी तरीके से टैप कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। हमने टैप कर लिया, इसको हम ऐड कर देंगे मेरी ऐड हुए हुए पतीली के अंदर। उसको ऐड करते हैं कि कैसे हम बनाएंगे आपको पतीली में केक बनाने का आसान तरीका, वो भी कोकोनट आइस केक हम सिखा रहे हैं। इसको हम ऐड करेंगे और रखा नीचे। इसके ऊपर हमने एक देगचा रखा, देगचे के ऊपर हमने अंदर रखा इसके स्टैंड और उसके ऊपर हम रखेंगे केक। यहाँ देख सकते हैं हमने केक को ऐड कर दिया, इस पॉट के अंदर ऐड कर दिया। इसे हम कवर करके रखेंगे, 40 मिनट के लिए बेक करेंगे ताकि अच्छी तरीके से बेक हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है देख सकते हैं, कोकोनट आइस केक रेडी हो चुका है, अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। बिल्कुल 1 घंटा लगा है, मुकम्मल 1 घंटा लगा इसको बेक होने में, क्योंकि हमने पतीले में बनाए इससे टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है। और अगर ओवन में बनाते हैं तो 35-30 मिनट लग जाते हैं, ओवन में बेक हो जाता है। तो उसका कवर हटा के आपको लुक दिखा देते हैं। देखिए के अंदर है हमारा कोकोनट आइस केक। ये देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से बेक हो चुका है, अंदर तक से बहुत ज़्यादा जालीदार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुआ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा जालीदार बन के तैयार हुआ, बहुत ही नरम और मुलायम। देख सकते हैं कोकोनट आइस केक अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। इसको हम अब हम उसको आपको चेक करवा दें टूथपिक से। ये देख सकते हैं अब हम उसको आपको निकाल के भी क्लियर आई है, इसका मतलब हमारा केक अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। इसमें भी आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं
ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। इसको हम इसी के अंदर रहने देते हैं ताकि कूल डाउन हो जाए इसी के अंदर। इसे हम दोबारा से कवर करके रखते हैं। कोकोनट आइस केक तो हमने ऊपर से कलर देने के लिए यहाँ प्री हीट हुआ तवा रख दिया है, देखे के ऊपर हमने ऊपर तवा रख दिया है ताकि ऊपर से भी बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए केक पे। ऐसे तो कुक हो जाएगा, ऊपर से कुक करने के लिए गरम गरम तवा रख दें ताकि ऊपर से भी बेहतरीन सा कलर आ जाए। आप विदाउट ओवन बनाएं बहुत ही मजेदार बनके तैयार होगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ये आपको बताते हैं। इसको कूल डाउन करने के लिए रख देते हैं कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं आपको बताते हैं। कोकोनट स्पंज रेडी हो चुका है, इसको हम कटिंग करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। केक का स्पंज रेडी हो चुका है, इसको इसकी साइडों को हम लूज कर रहे हैं ताकि ये आराम से निकल जाए। अब हम इसको फ्लिप करेंगे। हमारा केक रेडी हो चुका है, देख सकते हैं इसका बटर पेपर को हम कर रहे हैं रिमूव। ये देख सकते हैं जबरदस्त सा केक रेडी हो चुका है। कोकोनट स्पंज रेडी हो चुका है, साइड भी देख सकते हैं कितना स्मूथ कितना जालीदार बनके तैयार हुआ ये केक। इस केक को हम तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। ये देख सकते हैं हम केक को तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये देख सकते हैं केक कट चुका है, यहाँ देख सकते हैं केक कटिंग हो चुका है। ये देख सकते हैं एक साइड को हमने कटिंग कर लिया है, हिस्सा हमने अलग कर दिया है इसका। इसी तरह दूसरा पार्ट भी हम कटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कोकोनट आइस केक की स्पंज को हमने कटिंग कर लिया तीन पार्ट के अंदर। ये देखते हैं कोकोनट आइस केक की स्पंज को हमने कटिंग कर लिया, बहुत ही ज़्यादा जालीदार बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ। ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या कटिंग आपको बताते हैं। आइस केक बनाने के लिए हमने हाफ कप बॉयल हुआ मिल्क ले लिया है। यहाँ हमने एक ग्लास ले लिया, ग्लास के अंदर हम हाफ कप मिल्क को ऐड करेंगे। यहाँ देख सकते हैं हमने हाफ कप मिल्क इसमें ऐड कर दिया है। हाफ कप मिल्क ले लिया बॉयल हुआ, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून शुगर। कोकोनट आइस केक को सोक करने के लिए हम मिल्क तैयार कर रहे हैं। हाफ कप मिल्क ले लिया बॉयल हुआ, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून शुगर और इसे अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्स, अच्छी तरीके से हम करेंगे डिजॉल्व। शुगर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर मिल्क के अंदर। तो मिल्क को अच्छी तरीके से हमने डिजॉल्व कर लिया है, इसको हम एक साइड पे रखते हैं। मिल्क और शुगर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, इसका एक सिरप तैयार कर लिया है, इसको हम करेंगे सोक। सिरप को सिखा रहे हैं कोकोनट आइस केक। हमने एक पतीली ले ली, इसके ऊपर हम रखेंगे पिज्जे की थाली, हमने इसके ऊपर रख दिया। अब इसके ऊपर हमने जिसमें सर्व करना है केक को सर्व करना है, हमने कोकोनट आइस केक को सर्व करना है, इसके ऊपर हमने ये रख दिया। इसको क्रीम लगाएंगे, इसको इस तरीके से हिलाएंगे, इसको हम घुमाएंगे यूं करके। केक पे क्रीम लगाने का स्टैंड नहीं है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, होममेड तरीके से, हमने जो आपको भी सिखाया है। करेंगे सोक, थोड़ा थोड़ा करके पूरे केक पे फैला लेंगे। ये देख सकते हैं केक सोक किया जा रहा है। यहाँ हमने सोक कर लिया है मिल्क सिरप के साथ, सकते हैं हम पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम भर के इसमें अच्छे से ऐड कर रहे हैं। क्रीम को हमने अच्छी तरीके से ऐड कर दिया, इसके ऊपर हम ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। हम डेसिकेटेड कोकोनट इसमें ऐड कर रहे हैं, अच्छी तरह इसमें कोकोनट ऐड कर रहे हैं हर जगह। इसका दूसरा पार्ट रखेंगे अच्छी तरीके से, इसको भी हम सोक करेंगे। दूसरा पार्ट हमने रख दिया, इसको भी हम अच्छी तरीके से सोक करेंगे मिल्क वाले मिक्सचर के साथ। देख सकते हैं दूध मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया, इसमें हम दोबारा से पाइपिंग बैग से हम व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर जो हमने बीट कर ली थी। बहुत अच्छी क्रीम लगती है इस बैग से। इसके ऊपर हम डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रहे हैं, कोकोनट हम ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर अच्छे से। इसका हम थर्ड पार्ट रख रहे हैं, इसको भी हम अच्छे से सोक करेंगे। अच्छे से पूरे से सोक कर लेंगे, पूरा सा हमारा जबरदस्त सा केक रेडी हो रहा है, बहुत ही मजेदार बन के तैयार होता है। देख सकते हैं अच्छी तरीके से मिल्क सिरप से सोक कर लिया, इसके ऊपर हम दोबारा से व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। ये टॉप का इस पर हम अच्छे से क्रीम अप्लाई करेंगे, साइडों पे भी हमें क्रीम लगानी है अच्छे से। ये देख सकते हैं साइडों पे भी अच्छी तरीके से क्रीम की कोटिंग कर रहे हैं।
यहाँ देख सकते हैं हमने केक को क्रीम से कवर कर दिया है, बहुत ही जबरदस्त बनके तैयार हुआ है। अब इसको हम डेसिकेटेड कोकोनट से कवर करते हैं। इसे डेसिकेटेड कोकोनट से कवर करते हैं अच्छे से। आज उस केक का नाम कोकोनट आइस केक है। इसे हम नीचे कैसे लगाते हैं आप देखें, नीचे तो ये देखेंगे, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ऐसे कर रहे हैं हम कवर इसको, ऐसे कवर कर रहे हैं ऐसे। कैसे कवर करना है ऐसे, ये देखें, इसको ऐसे कवर करेंगे हम ऐसे। इसी तरह तमाम केक को हम कोकोनट से कवर करने का फिर आपको दिखाते हैं। कोकोनट आइस केक को हमने कवर कर दिया है कोकोनट के साथ, डेसिकेटेड कोकोनट के साथ। उसमें हम ऐड करेंगे स्वीट बॉल। कोकोनट आइस केक को ये चार चांद लगाएंगे स्वीट बॉल्स, तो हम इसको लगाएंगे कोकोनट आइस केक को। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर लीजिएगा, वरना आप वैसे भी खा सकते हैं इस केक को। हम ऐड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये मजीद चार चांद लगाती हैं आइस केक। देख सकते हैं हम स्वीट बॉल्स को लगा रहे हैं केक के ऊपर, क्योंकि कोकोनट आइस केक को मजीद चार चांद लगाएगा, बहुत ही हसीन और बहुत ही दिलकश बनाएगा, बहुत ही खूबसूरत बनाएगा और खाने का आपका दिल चाहेगा। चलो यहाँ देख सकते हैं कोकोनट आइस केक रेडी हो चुका है। इसे हमने स्वीट बॉल के साथ गार्निश करा, बहुत ही ज़्यादा चार चांद लगाए, बहुत ही सादा लग रहा था, तो हमें तो रेसिपी में चार चांद लगाने होते, तो हमने लगा दिए स्वीट बॉल से चार चांद। बहुत ही हसीन, बहुत ही ज़्यादा दिलकश बनके तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर बनाएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसे हम फ्रिज के अंदर रखते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, हम इसे फ्रिज में रखते हैं। ये चिल होगा, उसके बाद कटिंग करके आपको दिखाएंगे, ठंडा ठंडा खा के बताऊंगी कैसा बना है। तो 1 घंटे की ब्रेक कर फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। रहना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है और बताना है कि मेरी गार्निशिंग, मेरा केक कैसा लगा आपको। कोकोनट आइस केक को फ्रिज के अंदर रख दिया ठंडा करने के लिए 1 घंटे के लिए, फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो यहाँ देख सकते हैं कोकोनट आइस केक रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनके तैयार होता है। 1 घंटा हो चुका है, इसको हमने फ्रिज के अंदर रख दिया था, ये सेट हो चुका है और चिल भी हो चुका है। तो अब इसको कटिंग करने का वक्त आ चुका है, तो हम इसे कटिंग करते हैं और आपको उसको दिखाते हैं फाइनल लुक। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कोकोनट आइस केक रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत से इसकी लेयर्स निकल के आ चुकी हैं। मैं इसको खा के बताऊंगी, टेस्ट करके बताऊंगी कितना जबरदस्त बनके तैयार हुआ है। इसकी देख सकते हैं कितनी अच्छी मैंने लेयरिंग करी है, मैंने इसको डेकोरेट किया था, कितनी अच्छी इसकी लेयर्स आ चुकी हैं। ये देख साइड से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, ये जैसे कि आपको दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो इसकी लेयरिंग चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनके तैयार हुआ है। मैं आपको एक पीस काट के भी दिखा दी, मैं खा के भी दिखाऊंगी कितना सॉफ्ट। माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं कोकोनट आइस केक रेडी हो चुका है। इसे हमने आपको कटिंग करके स्लाइस निकाल के भी दिखा दिया, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनके तैयार और बहुत ही खूबसूरत है ये दिखने में। उससे ज़्यादा ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा इसका जायका है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और लुत्फ़अंदोज़ होइएगा। माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं कोकोनट आइस केक रेडी हो चुका है। इसे हमने कटिंग करके आपको स्लाइस निकाल के भी दिखा दिया, थोड़ा मक्खियाँ तंग करिए क्योंकि मीठे पर ज़्यादा मक्खियाँ आती है, तो उसको उसको तोड़ के खा के भी दिखाऊँ। सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होता है, मैं इसको खा भी लेती हूँ। रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।